नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विकेट अप स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो 3000 वैकेंसी आप सभी की निकल आई है। आर्मी में टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी की निकल के आ गई है भर्ती। आप सबकी पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई फेक नहीं, एकदम रियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई यहाँ टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आई है। तो टोटल वैकेंसी की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी रहने वाली पूरी पूरी। भर्ती कब से स्टार्ट हो रही है? तो 10 नवंबर से आप सबकी भर्ती जो है वो शुरू हो रही है। कहीं पर 12 नवंबर है कहीं पर, तो वो अपने अपने स्टेट वाइज वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। से पंजाब में बात करें तो माधोपुर में, लुधियाना में, कालका में, सब जगह आप सभी का मतलब लोकेशन बता दी है कहां कहां पर आप सभी की भर्ती रैली भर्ती कहां कहां होगी। पूरी जानकारी यहां पर अगर आपको देखने को मिल जाएगी आपको कि कहां कहां कौन कौन सी भर्ती से। माधोपुर पंजाब में 10 से 24 नवंबर तक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पठानकोट वाले यहां जा सकते हैं। पंजाब अदर देन एसएएस नगर एंड पठानकोट वाले लुधियाना में जा सकते हैं 10 से 24 नवंबर तक। कालका वाले हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला यहां जा सकते हैं। न्यू दिल्ली वाले दिल्ली, हरियाणा, पंचकुला को छोड़कर 28 नवंबर से 12 दिसंबर। तो कहां कहां भर्ती होने वाली है पूरा है। अगर यहां पर अगर आप देखोगे, न्यू दिल्ली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, दानापुर हो गया, कोल्हापुर हो गया, कोयम्बटूर हो गया, बेलगांव हो गया, क्या है देवलाली हो गया, विजयपुरम हो गया, यहाँ यहाँ आप सभी की पूरी पूरी लोकेशन रहने वाली भर्ती की। अब पूरी पूरी भर्ती आप सभी नवंबर भर पूरी भर्ती आप सभी चलने और दिसंबर तक आप सभी की पूरी भर्ती चलने वाली है, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर तक पूरी पूरी आप सभी भर्ती चलने वाली है। यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो जीडी की वैकेंसी जो यहाँ पर है वो 2500 वैकेंसी, जीडी की वैकेंसी 2500 वैकेंसी, केवल 10 पास चाहिए और 45% आप सभी का मार्क्स होना चाहिए दसवीं में। क्लर्क की वैकेंसी की बात करें 50 वैकेंसी है जिसमें 12 पास चाहिए, 60% आप सभी के मार्क्स होने चाहिए। ट्रेड्समैन की बात करें 300 वैकेंसी होनी चाहिए, 300 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर 10 पास पे। और ट्रेड्समैन जो 8वीं पास पे है वो भी 300 वैकेंसी लगभग आप सभी के 8 पास यहाँ पर होना चाहिए आप सभी को। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा यहाँ पर, पीएचटी होगा, पीईटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी ट्रेड टेस्ट में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। जीट में कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, क्लर्क में होगा, ट्रेड्समैन में होगा सभी का, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है तो लिखा है द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर द टोटल आर्मी भर्ती रैली। आप क्या करना है, बस कोई ऑनलाइन ऑफलाइन भरना ही नहीं है फॉर्म, आपको केवल लोकेशन पे जाना है, वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आपको सीधा सीधा कहां जाना है, जहां पर भी आपका लोकेशन रहने वाला है। तो लोकेशन का स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो, इतनी जगह पे आप सभी का पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ यहाँ आप सभी की भर्ती होने वाली है। तो ये पूरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से पूरा पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर आप सभी पूरा होने वाला है। यहाँ पर देखो फुल नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया, जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन से भी आप देख सकते हो कि एकदम ओरिजिनल है मेरे भाई, एकदम रियल है। तो आपकी स्टेट वाइज पूरी नोटिफिकेशन जारी की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन जो है, पूरा पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, यहाँ लिखा भी गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन इन्फेंट्री बटालियन होम एंड हार्ट बटालियन टेरिटोरियल आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी में है आप सभी का। देखो यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, समझ रहे हो ना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना, केवल आपको सेंटर जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पूरा पूरा यहाँ पर डिटेल दी गई है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सेंटर बनेंगे आप सभी के, उस लोकेशन पे आपको जाना है, केवल रनिंग करना। तो भैया पूरी पूरी वैकेंसी बता दिया, वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी है, जीडी की वैकेंसी सबसे ज्यादा ही होती है, तो यहाँ पर जीडी की वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारी डिटेल दे दिया कि इसकी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेना मेरा, सारी पीडीएफ मैं आप सबको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पे सबको दे दूंगा, ठीक है। लुधियाना के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के आ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सब पूरा पूरा देख लो मेरे, ये पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी का हो गया, ये पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज दिल्ली का हो गया। देखो एज कितनी रहने वाली, एज यहाँ पर देखो तो 18 से 42 साल आप सबकी एज रहने वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर को क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता ही दिया था, 10वीं पास आप सभी का जीडी के लिए चाहिए, क्लर्क के लिए 12वीं पास चाहिए, ट्रेड्समैन के लिए 10वीं पास, और ट्रेड्समैन जो आपका हाउसकीपर वगैरह वहां पर 8वीं पास चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। उसके बाद हाइट वगैरह देख लो आप सभी, हाइट वगैरह तो कम ही मांगते हैं यहाँ पर, हाइट देखो 160 सेंटीमीटर है अगर आप हिमालय रीजन वगैरह के हो गए, ठीक है, इस तरह से हो गए आप सभी की हाइट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन भी दे रखा है आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन दे रखा है आप सभी को, इस तरह से आप सबको रिलैक्सेशन भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये सब हाइट वगैरह देख लेना आप सभी अपने हिसाब से कि कहाँ आप कैसी कैसी हाइट, देखो अपने स्टेट वाइज आप सभी को हाइट देखनी पड़ेगी।
ट्रेड टेस्ट किसमें होगा, क्लर्क में होगा, ट्रेडमैन में आप सभी का ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा। ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर देखो, सबसे जरूरी क्या होता है, रनिंग, रनिंग का ही तो खेल होता है रनिंग। अगर आप 18 से 30 साल तक के हो तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा और आपको दौड़ना कितना है 1 माइल, यानी कि 1600 मीटर दौड़ना है। 1 माइल मतलब 1600 मीटर दौड़ना है आपको 5 मिनट 30 सेकंड में। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में आ जाते हो तो 60 नंबर मिलेगा। अगर 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक आते हो तो 40 नंबर मिलेगा, और 5 मिनट 46 सेकंड से के ऊपर जाते हो तो आप फेल हो जाओगे। वहीं पर अगर आप 31 से 42 साल तक की हो तो 6 मिनट 15 सेकंड मिलेगा आप सभी को, वो भी आप सभी को कितना दौड़ना पड़ेगा, आप सभी को उतना ही आप सभी को 1 माइल दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड तक आते हो तो 40 नंबर मिलेगा, वैसे 60 नंबर मिलेगा, और 6 मिनट 31 सेकंड से आते हो तो फेल हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देख लो मेरे भाई, आप सभी का पुलअप वगैरह होता है। पुलअप यानी कि आप मतलब अपने अपने बॉडी से पुलअप करते हो ना, ऊपर जाते हो पुलअप करना है। 18 से 30 साल के लिए तक आपको कितना है मेरे पास, 10 है, 10 से करोगे ऊपर करोगे। 31 वाले को देख लो, 9 करना है, 9 से ऊपर करना है तो 40 नंबर मिलेगा। 10 करोगे, 10 से ऊपर करोगे तो 40 नंबर मिलेगा, 9 करोगे तो 40 नंबर मिलेगा एज के हिसाब से। वही 9 करोगे, 8 करोगे तो 33 नंबर मिलेगा, 8 करोगे, 7 करोगे 27 नंबर मिलेगा। इस तरह से 5 से कम आप नहीं करोगे, 5 से कम करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद बैलेंस करना है और 9 फीट डिच यानी गड्ढा रहेगा 9 फीट का, उसको आपको डाकना रहेगा। ठीक है, वो सारी चीजें। फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन में सारे आपके सुपर पूरा सिलेबस वगैरह बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, फिर ट्रेड्समैन के डेट के यहाँ पर बता रखा है, जनरल ड्यूटी का सिलेबस वगैरह बता रखा है, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे, मैं सारा सब कुछ आपको करवा दूंगा। वैसे ही क्लर्क अगर आप देखो 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा सिलेबस आप सभी को दे रखा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे जीडी का सिलेबस दे रखा है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल मैथ, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको 32 नंबर लाना ही है। अगर ट्रेड्समैन की बात कर लें, 10th पास वाले में यहाँ 50 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, और यहीं पर अगर हम 8वीं पास की बात कर लें तो 50 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। मगर यहाँ क्लर्क का जो सिलेबस थोड़ा चेंज होता था, क्लर्क में क्या होता है, इंग्लिश भी आता है 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर की आती है, कंप्यूटर साइंस 5 नंबर का आता है, मैथ आप सभी का 10 नंबर का आता है, जनरल साइंस आपका 5 नंबर का आता है, और जनरल नॉलेज आप सबका 5 नंबर, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। तो ये पूरा सिलेबस हो गया आप सभी को। ठीक है, तो यानी पहले रनिंग पास करोगे, फिर उसके बाद इवेंट वगैरह 9 फीट डिच वगैरह पुलअप वगैरह पास करोगे, फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आप सारे लेके जाओगे अपने, अपना हाई स्कूल इंटर वगैरह जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारा सब कुछ लेके जाओगे। कोई भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह बना के लेके जाना है, यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है। ठीक है, कोई रिलीजन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ये सारा अपना शादीशुदा का सर्टिफिकेट लेके जाना है कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, वो सारा सीट है। ठीक है, कोई रिलेशन सर्टिफिकेट है, रिलेशन सर्टिफिकेट जाओगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपना लेके जाओगे, पैन कार्ड लेके जाओगे, फोटोग्राफ लेके जाओगे, सारी चीजें आप सभी को लेके जानी है आप सभी को। ठीक है, और अपने आप सारी सारी जो लिस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा आप उसके हिसाब से देख लेना मेरे भाई आप सभी का। ठीक है, तो ये पूरी पूरी लिस्ट आप सभी के रहने वाली है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, रिलेशन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ठीक है, गेम सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपका, तो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। मैं आपको एक एक सर्टिफिकेट एक एक चीज डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि भर्ती आप सभी की आ चुकी है, मैं डिटेल वीडियो सब कुछ बता दूंगा, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सिलेबस रहने वाला, सिलेबस की अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या पढ़ना, वो सब कुछ आपको बताने वाला। ठीक है, रनिंग सबसे मेन रहने वाले, रनिंग पास करोगे तभी आगे जा पाओगे, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, सीधा आपको सेंटर पे जाना है। सेंटर पे कैसे जाना है वो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी को लिस्ट देखनी पड़ेगी, मैं सारी लिस्ट अभी प्रिपेयर करवा देता हूँ, पीपीटी बनवा देता हूँ, उस पीपीटी से आपको सब कुछ दिखा दूंगा। चलिए फिर अभी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।